हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टेम टिल इंजेक्शन के बारे में। ये देखिए दोस्तों, इस इंजेक्शन के फायदे, इसके नुकसान और इसे किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, कितने दिन इसका उपयोग किया जाता है, इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन उससे पहले दवाइयों की जानकारी पाने के लिए अपना डॉक्टर राज को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलेगा। दोस्तों, स्टेमटिल इंजेक्शन आता है एबॉट कंपनी का, और इसका जो सॉल्ट है वो है प्रोक्लोरोपैराजाइन माइसिलेट इंजेक्शन 12.5 mg, और इसका जो MRP है वो है 15 रुपये 40 पैसे एक इंजेक्शन का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं इसके उपयोग की, किस काम में यूज किया जाता है। दोस्तों, इस इंजेक्शन का उपयोग चक्कर आना, मतली, उल्टी, घबराहट, चिंता, सिजोफ्रेनिया, सिर का चकराना जैसी कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जिस भी किसी को, मरीज को जब चक्कर आते हैं, चाहे वो माइग्रेन के चक्कर हो या फिर सिजोफ्रेनिया की प्रॉब्लम की वजह से हो, उल्टी की उल्टी आ रही हो, साथ में मतली घबराहट हो रही हो, तब इस इंजेक्शन को जो है डॉक्टर जो है मरीज को लगाते हैं। इस इंजेक्शन को IM और सॉरी दोस्तों, IM ही लगाया जाता है, इसे IV बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता है। यानी कि ये पीछे कूले पर ही लगता है इंजेक्शन, इसको IV कभी भूलकर भी मत लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इस इंजेक्शन को पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से दिया जाता है। यानी कि जितनी उसे मात्रा में ज़रूरत होती है, जितने दिन मरीज को ज़रूरत होती है, उतने दिन ही इस इंजेक्शन को दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस इंजेक्शन का आपने अपनी मर्जी से कभी भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, नुकसान होते हैं, जैसे कि पेट में कब्ज रहना, नींद ना आना, सिर दर्द होना, पीलिया, मुंह सूखना, धुंधला दिखना, उल्टी, घबराहट, खुजली, ये सब इसके साइड इफेक्ट होते हैं दोस्तों। तो इसे आप अपनी मर्जी से बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। धन्यवाद।